हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हमेशा दिल चाहता है कि हमें कुछ ठंडा और रिफ़्रेशिंग पीने को मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल से बनने वाली दो बहुत ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक रेसिपीज़। पहली है पाइनएप्पल लस्सी और पाइनएप्पल मिल्कशेक। ये दोनों ही समर ड्रिंक्स बहुत ही टेस्टी लगती हैं और आज हम इन्हें बनाएंगे फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट से। अगर आप और भी कई तरह की होममेड और इजी टू मेक रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स, लेमोनेड, मोहितो, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफीज और आइसक्रीम्स की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइए अभी के लिए हमारे ये पाइनएप्पल रेसिपीज को बनाना शुरू करते हैं। पर अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कॉमेंट्स मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। पाइनएप्पल बेसिकली एक खट्टा फ्रूट होता है जिसमें एक हल्का सा कसेलापन होता है, तो अगर आप इसे डायरेक्टली किसी भी डिजर्ट में यूज करेंगे तो थोड़ी देर बाद वे उसमें कड़वापन देगा। तो यही वजह है कि हम पाइनएप्पल को डायरेक्टली किसी भी डिजर्ट, मिल्कशेक या पुडिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि सभी तरह की डिज़र्ट और पुडिंग रेसिपीज़ में केन पाइनएप्पल का यूज़ किया जाता है। पर हर बार केन पाइनएप्पल लाना पॉसिबल नहीं होता है और इकोनॉमिक भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट को केन पाइनएप्पल जैसे मीठा बनाकर डिज़र्ट्स और पुडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश पाइनएप्पल को छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। यह पीसेज लगभग 500 ग्राम है। अब इन कटे हुए पाइनएप्पल पीसेस को हम एक कुकर में डाल लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे लगभग 1/3 से आधा कप चीनी और 2 ग्लास पानी। पानी हमें इतना डालना है कि सभी पाइनएप्पल पीसेस पानी में अच्छे से डूब जाएं। और बस अब कुकर पर ढक्कन लगाकर हमें इन पाइनएप्पल्स को एक सीटी हाई पर और उसके बाद 5 मिनट कम फ्लेम पर पकाना है। 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन पाइनएप्पल पीसेस को हम इस कुकर में ही पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारे पाइनएप्पल पीसेस ठंडे हो गए हैं और ये अच्छे से नरम भी हो गए हैं। अगर आप पाइनएप्पल पीसेस को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उबले हुए पाइनएप्पल पीसेस को इसी शुगर सिरप में डालकर इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल दें और उसे फ्रिज में रखकर इजीली 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम इन पाइनएप्पल से पाइनएप्पल मिल्कशेक और पाइनएप्पल लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ मैं एक ब्लेंडिंग जार ले रही हूँ और उसमें ये उबले हुए पाइनएप्पल पीसेस डाल रही हूँ। यहाँ मैं इन आधे पाइनएप्पल्स को प्यूरे करके मिल्कशेक और लस्सी के लिए यूज़ करूँगी और बाकी के आधे पाइनएप्पल्स को इसी शुगर सिरप के साथ मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके बाद में यूज़ करने के लिए रख दूँगी। तो इन आधे पाइनएप्पल्स के लिए मैं इस ब्लेंडिंग जार में डालूँगी लगभग 1/3 से आधा कप जितनी चीनी और बस अब इन पाइनएप्पल्स पे हम थोड़ा सा ये पिस जाए इजीली इतना दूध डाल देंगे, लगभग 1/3 से 1/4 कप जितना ठंडा दूध डाल देंगे और इन पाइनएप्पल्स को बिल्कुल अच्छे से प्यूरे कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सभी पाइनएप्पल पीसेस अच्छे से पिस गए हैं। पाइनएप्पल के पीसेस में हल्के से रेशे होते हैं और इसके साइड्स में छोटे छोटे से कांटे होते हैं। तो इस पाइनएप्पल प्यूरे को हम एक बार छलनी से छान लेंगे और ये लीजिए, हमारी पाइनएप्पल प्यूरे बिल्कुल यूज होने के लिए तैयार है। हम इस तैयार पाइनएप्पल प्यूरे को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में स्टोर करके बाद में यूज कर सकते हैं। पर अगर आप इस पाइनएप्पल प्यूरे को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके बाद में यूज करना चाहते हैं तो इसे पीसते समय इसमें दूध की जगह पानी का यूज करें। तो आइए, इस तैयार पाइनएप्पल प्यूरे से हम बनाएंगे सबसे पहले पाइनएप्पल मिल्कशेक। तो यहाँ मैं 2 ग्लास पाइनएप्पल मिल्कशेक बना रही हूँ। इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे लगभग 1/3 से आधा कप तैयार पाइनएप्पल प्यूरे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास बिल्कुल ठंडा दूध, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम। ये होममेड वनीला आइसक्रीम है जिसे कि घर पर बनाना बहुत ही आसान है, तो इसकी रेसिपी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइसक्रीम के बाद इसे और थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स येलो फूड कलर और कुछ ड्रॉप पाइनएप्पल एसेंस की। इन दोनों को ही डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें रहने दे सकते हैं। और लास्ट में इसमें खूब सारे आइस क्यूब्स डालकर इस पाइनएप्पल मिल्कशेक को हम लगभग 1 मिनट तक या फ्रॉथी होने तक चर्न कर लेंगे। वैसे तो हमने पाइनएप्पल प्यूरे में चीनी ऐड करी है, पर अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। तैयार पाइनएप्पल मिल्कशेक को सर्विंग ग्लास में डाल देंगे, पाइनएप्पल मिल्कशेक के ऊपर आइसक्रीम डाल देंगे, रिम पर एक पाइनएप्पल स्लाइस लगा देंगे
और शेक के ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल प्यूरे ड्रिजल कर देंगे। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है हमारा पाइनएप्पल मिल्क शेक। इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा बनते ही इमिडिएटली सर्व करें। पाइनएप्पल मिल्क शेक के बाद अब हम बनाएंगे पाइनएप्पल लस्सी। पाइनएप्पल लस्सी बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 2 कप दही, दही फ्रेश हो और खट्टा ना हो, आधा कप तैयार पाइनएप्पल प्यूरे। अगर दही खट्टा है तो इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर लें, कुछ ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस और येलो फूड कलर की, और इस बार भी फूड कलर और एसेंस को डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और लास्ट में खूब सारा आइस क्यूब्स डालकर इस पाइनएप्पल लस्सी को हम फ्रॉथी होने तक चर्न कर लेंगे। ध्यान रखें दही को बहुत ज़्यादा देर तक मिक्सी में नहीं फेंटे, नहीं तो दही से मक्खन अलग हो जाएगा। तैयार पाइनएप्पल लस्सी को सर्विंग ग्लास में सर्व कर देंगे और इमिडिएटली इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितनी इजीली हमने घर पर पाइनएप्पल क्रश और पाइनएप्पल मिल्कशेक को पाइनएप्पल लस्सी बना लिया है। आप इस टेस्टी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।